हाय फ्रेंड्स, दिस इज रचनास होम चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी लिपस्टिक लगाने का सही तरीका, जिससे कि आपके जो भी लिपस्टिक का कलर है वो अच्छे से निकल कर आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करें तो अपने इनर जो लिप एरिया है उसको कंसील कर लें, क्योंकि जो भी आप कलर लगाएंगे, ज़्यादातर हम जैसे न्यूड कलर्स लगाते हैं तो वो हमारे नज़र नहीं आते, लिप्स के जो कलर है उसमें वो छिप जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी लिप एरिया को अच्छे से कंसील कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से अपने लिप एरिया के आसपास कंसील कर लिया है। अब इसके बाद मैं लिपस्टिक का सीधा यूज़ नहीं करूँगी, मैं सबसे पहले अपनी लिप्स को आउटलाइन करूँगी, क्योंकि हम जब भी लिपस्टिक लगाते हैं तो लिप लाइनर का यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी लिपस्टिक की शेप बिल्कुल सही आती है। अंदर भी इसी से भर लूंगी, अपनी फिल कर लूंगी लिप्स को, इससे हमारी लिपस्टिक को बेस मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, तो मैं कलर एसेंस की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है 40। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने ठीक से अप्लाई कर लिया, देख सकते हैं कितने अच्छे से कलर निकल के आ रहा है। सो फ्रेंड्स, देखा, आप भी बहुत आसानी से कोई भी कलर लगा सकते हैं। बस आपको सबसे पहले अपने लिप्स को कंसील करना है, फिर इसके बाद लिप लाइनर का यूज़ करना है आउटलाइन करने के लिए, कि डायरेक्ट अगर आप लिपस्टिक का यूज़ करेंगे तो उससे आपका जो लिपस्टिक का कलर है वो अच्छे से नज़र नहीं आएगा, अच्छे से निकल के नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले अपने लिप्स को अच्छे से कंसील करना चाहिए, उसके बाद आपको लिपस्टिक का यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।